एलन की, इसका प्राइस सिलगुड़ी में, इसका प्राइस हम लोग का सिलगुड़ी में 9 रुपीज पर इंच, मैंने कॉम्प्लेट 9 रुपया का एक पीस मिलता है। और दिल्ली में इसका प्राइस, मैं दिल्ली गया था, इसका दिल्ली में एक पीस का प्राइस मिलेगा आपको 3 रुपया कुछ पैसा, या 3 रुपया में, मैं तो 3 रुपया करके लाया। और आपको एलन की, इसके लिए 5 mm का एलन की चाहिए, 5 LN का, 5 mm का इसमें पूरा आ जाएगा। इसीलिए इसका कॉम्प्लेट का दाम, इसका कॉम्प्लेट एक मत लीजिए, आपको बाद में भी काम आ सकता है। तपोरिया कंपनी देख लीजिए, तपोरिया का, ये तपोरिया का कंपनी है, तपोरिया का कॉम्प्लेट सेट, ये कंप्लीट छोटी से बड़ी तक एकदम A to Z पूरा कॉम्प्लेट सेट, इसका प्राइस पड़ेगा 183 रुपीज, 183 देख लीजिए, 183 रुपीज इसका पड़ेगा दाम। इसका दाम फिर से याद करिए, इसका दाम, इसका एक पीस का दाम दिल्ली में 3 रुपया करके, और सिलगुड़ी में, हम लोग का सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल में, इसका 9 रुपया पीस, मतलब थोड़ा दाम बेची पड़ता है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर दिल्ली से मंगा रहे हो तो आपको 3 रुपया करके कंप्लीट मिल जाएगा, ये 3 रुपया करके। हेलो नमस्कार, किशोर सावन और कैबिनेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग स्पीकर में एलन की कैसे लगाएंगे, जो पुराने या नए स्पीकर में एलन की को कैसे फिटिंग करेंगे। एलन की इसके लिए चाहिए हमको एक नोट बोल्ट, एलन की और कोई भी वाशर लगाने के लिए वाशर चाहिए, और एक स्क्रू ड्राइवर, डाइग लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इसके लिए देखिए, मैं पहले काम वीडियो छोटा करने के लिए मैं काम कर चुका हूँ, इसमें छेद हो चुका है, इसमें पूरा जितना छेद करना है स्क्रू ड्राइवर से या ड्रिल मशीन से, ये ड्रिल मशीन से ये छेद कर चुका हूँ, इसमें इसको ड्रिल मशीन से ऐसा करके छेद कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको छेद कर देना है, कुछ नहीं करना है, जो दाग करेंगे उसके बाद में छेद कर देंगे। छेद करने के बाद में एकदम आसान तरीका में जो वाशर बोला गया था, वाशर को उसका ऊपर से लगा देना है, वाशर को ऊपर से लगा देना है, वाशर ऊपर से आप फिटिंग कर दीजिए, नीचे से आपको एलन की माने नोट बोल्ट आपको बैठाना है, बस और कुछ करना नहीं है आपको। इसको बैठा देना है, बैठाने के बाद में जब तक टाइट होगा आपको टाइट करना है, जब तक टाइट होगा, देखिए टाइट, अब इससे अब टाइट नहीं हो रही, अब इससे इसके ऊपर में इसको एलन की लगा के आप एक बार घुमा दीजिए। कब तक घुमाइए, जब तक ये लेवल ना हो, ये नीचे में लेवल चाहिए, ये अंदर में घुस जानी चाहिए, देखिए अभी पूरा लेवल हो गया। इसके अंदर में कांटा होता है, कांटा है, ये कांटा है, ये कांट का अंदर में दुख जाना चाहिए, देखिए ये फिटिंग हो चुका है। फिर इसको अच्छा से, अच्छी तरह से इसको खोल देना है, बस इसको खोल देना है, खोल देना है, इसी तरह इसको फिर दूसरा में लगाना है। वाशर ले लीजिए, वाशर ले लीजिए, वाशर आ गया, इसमें कांटा होता है, मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर इसमें इसको घुमा देना है, जब तक घूमेगा घुमा देना है, घुमाने के बाद में एलन की से फिर इसको टाइट मार देना है, इसको टाइट कर देना है, देखिए लेवल हो गया, टाइट हो गया, फिर खोल देना है इसको तुरंत। ऐसा करके आपको काम करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी से, बस देखिए फिटिंग हो चुका है। बाय चांस अगर आपका मिस्टेक, बाय मिस्टेक आपका कुछ उल्टा लग गया, अगर ये फिटिंग माने स्पीकर में फिटिंग नहीं हो रहा, इसको खोलने के लिए आसान तरीका, फिर से एलन की को लीजिए, इसमें यहां पर अटकाइए और मार दीजिए, फिर इसको लीजिए, बस देखिए दो नोट बोल्ट निकल चुका है और छेद जैसे का तैसा है, देखिए एकदम फिटिंग है। देखिए आज का वीडियो देख लिया, आज का वीडियो एलन की का टॉपिक में था, वीडियो एकदम छोटा बनाया गया है,
इसमें कुछ आपको कंप्लेन करना हो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। प्लीज डिसलाइक मत करिएगा, डिसलाइक करने से मुझे वीडियो बनाने का मन में करेगा नहीं। छोटा छोटा टॉपिक में भी वीडियो बना रहा हूँ, एल एन की कैसे लगाना है ये टॉपिक अभी तक एक भी यूट्यूबर कोई भी यूट्यूबर बनाया नहीं है। मैं अभी नया नया हूँ इसीलिए मैं एक वीडियो इसका ऊपर में बना रहा हूँ। इसीलिए मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, थोड़ी आप लोग समझ के हिंदी सुनिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।